नमस्कार, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। सेहतमंद कौन नहीं होना चाहता, लंबी उम्र भी हर कोई चाहता है। सबकी कोशिश ये होती है कि बीमारियों से दूरी बनी रहे, लेकिन कई बार जाने अनजाने में की गई गलतियां बॉडी को बड़ा नुकसान पहुंचा देती हैं और खान पान की कुछ गलत आदतें ऐसी बीमारियां दे देती हैं जो जानलेवा साबित हो जाती हैं। जी हाँ, और ऐसी ही आदत है ज्यादा नमक और ज्यादा मीठा खाने की। स्वाद में ज्यादा नमक, चीनी का जो कंजम्पशन है वो किडनी का डिजीज हमें बनाता है। इस वजह से किडनी की डिजीजेज हमें होती हैं। दरअसल नमक में सोडियम होता है। ज्यादा नमक खाने से बॉडी का सोडियम बैलेंस बिगड़ जाता है और इसका असर किडनी के फंक्शन पर पड़ता है। किडनी शरीर से कम पानी बाहर निकाल पाती है और नतीजा ये बीपी हाई हो जाता है और किडनी बीमार होने लगती है। WHO के मुताबिक एक हेल्दी इंसान को दिन में सिर्फ 5 ग्राम नमक ही खाना चाहिए, यानी कि एक पूरे दिन में आपके लिए 1 चम्मच नमक बहुत है। लेकिन सच ये है कि एक आम भारतीय हर रोज 10 ग्राम से ज्यादा नमक खाता है, यानी कि रिकमेंडेड क्वांटिटी से डबल से भी ज्यादा। बिल्कुल ठीक आपने ज्योत्सना, और इंडियन स्टाइल ऑफ कुकिंग में नमक फिर भी लिमिट में इस्तेमाल होता है, लेकिन जाने अनजाने में जंक फूड पैक्ड फूड के जरिए जो नमक लोग खाते हैं वही मुसीबत की जड़ बनती है। जैसे नमकीन और चिप्स के 2 पैकेट ही दिन भर के नमक का कोटा पूरा कर देते हैं। बिल्कुल, और यही हाल चीनी का भी है। अब किडनी फेलियर की सबसे बड़ी वजह हाई ब्लड शुगर भी है। खून में ज्यादा ग्लूकोज किडनी के बारीक फिल्टर्स को खराब कर देता है। नतीजा क्या, किडनी फेलियर की नौबत तक आ जाती है। WHO के मुताबिक दिन भर में 6 से 10 चम्मच ही चीनी खानी चाहिए। इसे पढ़कर तो लग रहा है शायद मैं बहुत कम खाती हूँ, लेकिन पैक्ड फूड केक बेकरी प्रोडक्ट्स खाने की वजह से हमारी बॉडी में कई गुना ज्यादा चीनी हो जाती है जो शुगर का मरीज बना सकती है। इसलिए मीनाक्षी जरूरी है कि हम अपनी जड़ों की तरफ दोबारा लौटें, दाल रोटी सब्जी खाएं, योग अपनाएं, सेहत बनाएं, ताकि लाइफ में कभी भी डायलिसिस और ट्रांसप्लांट की नौबत ना आए। और ये सब कुछ बताने के लिए, और ये सब कैसे होगा ये बताने के लिए स्वामी रामदेव आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, प्रणाम। हरे भरे खेतों में स्वामी जी, बहुत बहुत सुंदर वातावरण दिख रहा है यहाँ से तो। हाँ, जड़ों से जुड़े और हम ये जो जड़ें जमीन से जुड़ी हुई है ना, उनके ऊपर ये कुछ ये सलाद वाले पत्ते हैं और ये करके माने ऐसी शाक सब्जियां खा करके और ये योग अपना करके अपने घर में इंडिया टीवी देख करके गोवा से आए हैं प्रकाश भाई। कितना हो गया था क्रिएटिनिन? 8 हो गया था। 8, और अब कितना है? अभी 2.5। अब 2.5 हो गया है। क्या क्या किया था? मैंने सबसे पहले रॉ खाना चालू किया। हाँ, रॉ खाना चालू किया और 12 बजे तक निर्जल उपवास। 12 बजे तक निर्जल उपवास, एकादशी का पूरा उपवास किया था। ओहो हो, और आपका इंटीग्रेटेड योगा बहुत फायदा, योगासन प्राणायाम ध्यान एक हाँ, साथ किया। और बस्ती किसके लिए थी? बस एनिमा लिया था। हाँ, एनिमा, वही एनिमा। हाँ, गोकरो और क्वात, गोकरु क्वात से एनिमा लिया, वृक्कदोष क्वात, वृक्कदोष क्वात से। अच्छा अच्छा, तो अब देखो 8 से 2.5 पर आना ये बहुत बड़ी बात है, ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और ये तो हम आज थोड़ा सा प्राकृतिक रूप से अपने जीवन से जुड़ करके, प्रकाश जो गोवा से आए हैं, 8 से 2 क्रिएटिनिन करना, एक बार जोरदार ताली हो जाए भाई इनके लिए। ये दूसरे भी मेरे साथ हैं ऐसे ही रोगी। आज हमने ये सब्जियां चुन करके एक संकेत दिया है कि हमें प्रकृति को अपनाना है और रोगों को भगाना है। ये दूसरे भाई हमारे बैठे हुए हैं, आपका क्या नाम है? गोमुखासन में कपालभाति कर रहे हैं, क्या नाम है? नीलेश, नीलेश कुमार। कहाँ से? मैं पटना से हूँ। पटना से, और कितना हो गया था क्रेडिट? मेरा 8.5 था, 8.5 से भी 5.5। यस, 8.5, अभी मेरा 2.3 है। इसके लिए भी जोरदार अभिनंदन हो जाए, बहुत बड़ी घटना है। दुनिया के इतिहास में पहली बार आप ये चीजें सुन रहे हो कि 8 से 2 पॉइंट आ गया। आपने क्या क्या किया? हमने सर दवा जो लिखा था उसने दवा मैं खाया है ना, और ये जो हम इंडिया टीवी पर उपाय बता रहे हैं कि भाई गोमुखासन करो, मंडूक आसन करो, जो हमारे प्रकाश भाई बोल रहे थे इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस। आ जाओ प्रकाश भाई आप भी। इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस माने आसन प्राणायाम ध्यान के साथ, और 8 से प्रकाश, और आपका क्या नाम बताया? नीलेश। नीलेश,
नीलेश ने 8 से 8.5 से 2.5 कर लिया क्रिएटिनिन। योगासन, प्राणायाम और ध्यान के साथ कि मेरी किडनी स्वस्थ हो रही है। बात तो एक छोटी सी, गोखरू का पानी पीना, गोखरू की बस्ती ले ले, वृक्क दोषर से बस्ती एनिमा ले लिया। अब ये लाइव एग्जांपल है और एक माता ने तो कमाल ही कर दिया, उधर बैठी हुई है वो, उसको देना भाई माइक, वहीं ले जाओ प्रकाश भाई, नीलेश भाई उनको दे दो, माता जी को ले जाओ। उस माँ ने 2008 से आज 12 साल हो गए अपनी किडनी को मेंटेन किया हुआ है। ये बड़ी बात है, नहीं तो लोगों को क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, फिर किडनी ट्रांसप्लांट के लिए, ट्रांसप्लांट के बाद फिर भी किडनी फेल हो जाती है और आदमी की मौत हो जाती है। कब से बढ़ा था माँ आपका? 2007 से बाबा जी। कहाँ से आई हो आप? मैं भोपाल से आई हूँ। भोपाल से 2007 से क्रिएटिनिन कितना था? मेरा पहले 3 था और वैसे ही मेंटेन करा हुआ है मैंने, अभी 2 है मेरा। 3 से 2 पर और एक किडनी मेरी श्रिंक है, एक किडनी जबकि श्रिंक है, श्रिंक है, लेकिन मैं बस प्राणायाम डेली करती हूँ बाबा जी आपका देख, जब से आप आए थे भोपाल, हम जब से आपसे। क्या बात है, तो पुरानी शिष्या है, क्या नाम है अम्मा? सुषमा सक्सेना। सुषमा जी, और ये इस भाई को अगले को देना, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, इसको तो डायबिटीज थी, क्या नाम भैया आपका? रोशन लाल शर्मा जी। कहाँ से आए? हिमाचल से। रोशन लाल शर्मा, डायबिटीज कब से थी? डायबिटीज 20 साल से डायबिटीज। लंबे समय तक डायबिटीज रहने से, ज्यादा नमक खाने से, ज्यादा अनहेल्दी फूड खाने से, कई बार ऐसे ही छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाता है। अब ये प्राणायाम कितनी कितनी देर करते हो? मैं करता हूँ 3 घंटे। 3 घंटा और आसन के साथ करते हो? मंडूकासन, आसन के साथ, योग मंडूकासन, योग मुद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवन मुक्तासन के साथ। और दवाई क्या लेते हो? दवाइयां ऐसे लिखी है जो वृक्क दोष, वृक्क दोषर क्वाथ, वृक्क दोषर बटी, चंद्रप्रभा, गोक्षुरादि और शुगर के लिए लिखी हुई, मधुनाशिनी मधुग्रीव, बीपी ग्रिट, बीपी भी है, शुगर भी है। क्रिएटिनिन कितना हो गया था? क्रिएटिनिन मेरा 4.55 था। अब कितना हो गया? अब मैं 3 महीने पहले आया था ही, तो फिर मेरा 4.5 से अब कितना है? अब तो 2 है। 2 पर आ गया, चलो जोरदार अभिनंदन है, ये भी बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बीपी हो, शुगर और 20 साल से, ये बड़ी बातें हैं। चलो अब करो स्वामी जी, अब ये जो लोगों के अनुभव है, उनके जो एक्सपीरियंसेस है, उन्हें देखकर दर्शकों को और मोटिवेशन मिलता है। स्वामी जी चीनी और नमक खाने में टेस्ट लेकर आते हैं, लेकिन लोगों को ये अंदाजा नहीं लगता कि इन 2 वजहों से ही वो बीमारियों का शिकार भी हो रहे हैं। तो आज आप उन योग अभ्यास को तमाम दर्शकों के साथ करवाइए कि जुबा पर कंट्रोल भी रहे, सेहत भी बनी रहे, और कौन कौन से योग अभ्यास करने चाहिए कि अगर थोड़ा लेवल बिगड़ गया है तो उसे ठीक किया जा सके। एक तो गोमुखासन, ये लीवर के लिए, ये किडनी के लिए, क्रिएटिनिन के लिए बहुत जबरदस्त है। ऐसे जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, किडनी में ध्यान करके कि मेरे किडनी के सारे सेल्स एक्टिवेट हो रहे हैं, मेरी किडनी रिजुविनेट हो रही है, जो मैं 5 शब्द बोलता हूँ ना, योग से रिजुविनेशन होता है, योग से रीबर्थ, डिवाइन बर्थ होता है, योग से हमारा कंप्लीट बैलेंस होता है, योग से हमारा कंप्लीट एक्सप्रेशन, बैलेंस, रिजुविनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और रीबर्थ, डिवाइन बर्थ होता है। तो ये चीज़ें अनुभव किए, ऐसे पूरी श्रद्धा से, भक्ति से, एकाग्रता से गोमुखासन, मंडूकासन, शशकासन, चलो मंडूकासन करते हैं, नाभि के दोनों ओर मुठ्ठियाँ लगा दी, आगे झुक गए ऐसे, और ऐसे ये मंडूकासन ऐसे किया, मंडूकासन, शशकासन, योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, ये तो बैठ करके, फिर लेट करके पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादांगुष्ठ नासा, स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, पूरा पैकेज, एक एक आसन को 10-10 मिनट किडनी पर ध्यान करते हुए करेंगे कि मेरी किडनी स्वस्थ हो रही है। संकल्प चिकित्सा इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं भाव चिकित्सा। और करते 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 हम इतने गुणातीत और भावातीत हो जाते हैं, इस ब्रह्मांड की अदृष्ट शक्तियों के संपर्क में आ जाते हैं, इससे अपने आप शरीर के साथ, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर संयम भी आ जाता है। और ये जो आप बता रहे थे, ये चीनी और ये नमक, ये अपने आप ही छूट जाते हैं, माने अपने भीतर से ही ऐसी संकल्प शक्ति, इतना मनोबल, आत्मबल प्रबल हो जाता है
कि अपने आप जो ये शरीर को नुकसान करने वाली जो चीज़ें छूट जाती है। चीनी का विकल्प है खजूर है, मुनक्का है, अंजीर है, चीनी का विकल्प है हनी, चीनी का विकल्प है गुड़ शक्कर, वो भी कम मात्रा में लेने चाहिए, ज़्यादा नहीं लेने चाहिए। अगली बात, नमक का विकल्प है सेंधा नमक। और ये जो साग सब्जियां सलाद जो आप मेरे पीछे देख रहे हो, अभी खेतों में पीछे साग सब्जियां भी तैयार हो गई है, पीछे तक सलाद हमने बो रखी है। साग सब्जियां सलाद कच्चा खाना रो फूड जो है, हमने एक महापुरुष को देखा वो करीब 80% रो फूड खाते थे, SSY के संस्थापक। और ये हम नेचुरोपैथी में देखते हैं रो फूड। और योगाभ्यास में मंडूकासन, शशकासन, जो प्रकाश भाई बोल रहे थे गोवा वाले, खुद अपना बहुत बड़ा कॉलेज चलाते हैं, मेरे से बोले एक वेलनेस सेंटर वहाँ भी खोल देना स्वामी जी, बहुत लोग दुखी हैं। मंडूकासन, शशकासन, इंटीग्रेटेड योगा प्रैक्टिस, योगासन प्राणायाम ध्यान एक साथ करें, फिर खान पान पर ध्यान रखें, आहार ही हमारा उपचार है, विचार ही हमारा उपचार है, इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और जो हम बताते हैं ये तो अभी आपको हमने खाली, क्योंकि आज किडनी का प्रोग्राम है, किडनी का रखा, आगे में आर्थराइटिस का एक बहन यहाँ पर आई हुई है, उसने इंडिया टीवी पर देख देख करके जो बताया, कर्क्यूमिन गोल्ड, ऑर्थोग्रीड, पीना नील और ये स्प्रिलिना, ये सब खाना शुरू कर दिया, एलोवेरा की सब्जी, रागी और बाजरे की रोटी, 800 उसका, गीता नाम है उसका, लखनऊ से आई हुई है, 800 उसका, 850 उसका आर ए फैक्टर, चल नहीं सकती थी एक कदम, 500 बार सूक्ष्म व्यायाम के साथ मैंने कहा प्राणायाम करो, और अब उसका आर ए फैक्टर ठीक हो रहा है, अब वो व्हील चेयर से अब चलने लगी है, गंदा जाम था वो खुल गया है, और सारे पैरामीटर्स। और घर पर बैठे बैठे लोग इंडिया टीवी पर सुन सुन करके अपने अर्थराइटिस को, वात पित्त कफ रोगों को, लीवर किडनी को, हार्ट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। मंडूकासन, ये बिल्कुल ठीक है आपने स्वामी जी, और आप हमेशा योग आयुर्वेद के साथ साथ नॉर्मल रूटीन में किन किन विकल्पों को आजमाया जा सकता है, आप हमेशा ये जानकारी देते रहते हैं। जैसे आपने कई दफा कहा है कि होम रेमेडी, बिल्कुल, और चीनी की आदत छोड़कर गुड़ की आदत डाल लें। अच्छा स्वामी जी, जब ये शुगर और नमक का बैलेंस बिगड़ता है हमारे शरीर में, तो वजन भी बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी किडनी के लिए एक और बड़ा खतरा पैदा होता है। तो किडनी को हेल्दी बनाने के लिए क्या जो आसन आप बता रहे हैं वही कारगर होते हैं, और वजन घटाने में भी क्या ये कारगर होते हैं, क्योंकि वजन तेजी से लोगों का बढ़ता है, इसके लिए 3 योगाभ्यास कौन से करने चाहिए? तो देखो ये अभ्यास ने कपाल भाति के साथ करते हैं, तो कपाल भाति अपने आप में सबसे बड़ा वेट को मेंटेन करने वाला, वेट को रिड्यूस करने वाला, एक्सेस फैट को बर्न करने वाला है। तो अर्धमत्स्येन्द्रासन के साथ, वक्रासन के साथ जब कपाल भाति होता है, और जब हम पवन मुक्तासन के साथ, चलो पवन मुक्तासन के साथ उत्तान पादासन, नौकासन, सेतु बंधासन, पादंगुष्ठ नासास्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन के साथ कपाल भाति करते हैं, तो वेट तो अपने आप ही कंट्रोल होगा। फिर वेट के लिए ये 3 अभ्यास भी हैं, ये अर्धहलासन, एक एक पैर से या दोनों पैरों से अर्धहलासन, ऐसे या ऐसे, ऐसे ये है अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 50-50 100-100 बार करा देते हैं, एक एक पैर से या दोनों पैरों से, ऐसे ही ये बहुत ज़बरदस्त, ऐसे ऐसे क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर ये ऐसे। तो ये किडनी के लिए भी अच्छे हैं, इससे किडनी के ऊपर भी प्रेशर आता है, किडनी का भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, किडनी में भी एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों पैरों से मैंने अभी करके बताया, इनको एक एक पैर से भी ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे, ये ऐसे और ऐसे 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 और ऐसे ऐसे कर लेते हैं, ये और ये इनको 50-50 100-100 बार करा देते हैं। इसमें खाने पीने में थोड़ा संयम कराते हैं, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, ये सब किडनी के लिए बहुत ज़बरदस्त है, कपाल भाति के साथ। फिर गोखरू का पानी पिलाते हैं, तो पूरे देश में मिलता है, गोखरू का पानी पिलाते हैं, गोखरू जोर को लाते हैं, जिनको बार बार
किडनी भी खराब और किडनी में स्टोन फॉर्मेशन भी होता है, उसके लिए भी रामबाण है। हमने गोखरू का पानी तो इतने लोगों को बताया, और गोखरू के साथ अभी एनिमा भी लेते हैं लोग। गोखरू और वृक्कदोष और क्वाथ को उबाला, दो दो चम्मच डाल करके करीब 1 किलो पानी में पकाया, और पका करके जब 100 ग्राम बच गया तब उसमें ही चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुगुल, वृक्कदोषारवटी, पुनर्नवादि मंडूर, ये ट्राइघनवटी एक एक घोली मिला दी, और उसी का ही एनिमा ले लिया 100 ग्राम, उसको होल्ड करके रखा, और उससे जैसे आप प्रकाश को सुन रहे थे 8 से 2 पर ले आए। ऐसे ये बड़ी बात है, नहीं तो किडनी का पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं। एलोपैथी में तो इसकी सिंगल भी मेडिसिन नहीं है कि आप क्रिएटिनिन लेवल को ठीक कर सकें। और ये जो आसन है जितने हमने बताए, सर्वांगासन लेकर के हलासन, ये सारे अभ्यास, और जो आपने बीच में वेट के लिए पूछा तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रकासन, वो वेट के लिए और किडनी के लिए दोनों के लिए अच्छे। ये हमने हाथ लगा करके भी किया, और ये निरालंब सर्वांगासन है, बिना हाथ लगाए देखो ऐसे, थोड़ा बॉडी हल्की होगी तब हो पाएगा, ऐसे ऐसे किया माने बिना हाथ लगाए पैर ऐसे उठाए और ऐसे लेके चले गए, ऐसे पूरा होल्ड कर दिया, इसी में कपालभाति किया, और फिर इसी में हलासन भी किया ऐसे, और ऐसे वापस आ गए। तो ये अद्भुत है। ऐसे तो भुजंगासन करने से भी किडनी में फायदा होता है और किडनी को विश्राम भी मिल जाता है, मकरासन और भुजंगासन, चलो उल्टे लेट जाते हैं। तो होम रेमेडी भी करें। गोखरू का पानी से तो हमने अद्भुत लाभ पाया, अर्थराइटिस से लेकर के, यूरिक एसिड से लेकर के, पूरी को बॉडी को डिटॉक्स करने से लेकर के, क्रिएटिनिन लेवल को मेंटेन करने से लेकर के, धातु रोगों में भी इसका लाभ है। और किडनी स्टोन में तो गोखरू एक मुट्ठी, जो एक मुट्ठी, गोखरू, जो और कुलथ की दाल, ये रात को हमने भिगो दिया और सुबह इसको उबाल करके 1 किलो पानी में उबाले और करीब 200-250 ग्राम बच जाए तब इसको दिन में 3-4 बार इसको पी लें। थोड़ा जिनको किडनी की प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक और थोड़ा इसमें हींग भी डाल करके लेते हैं। तो जिनको बार बार किडनी फॉर्मेशन, पूरी किडनी भर जाती है, बार बार किडनी में स्टोन फॉर्मेशन की प्रॉब्लम रहती है, उसका भी परमानेंट सॉल्यूशन, ये बड़ी बातें हैं। ऐसे ही स्वामी जी, ये देखो ये डायबिटीज किडनी का बड़े दुश्मन है। हम वेट के लिए, एंकुलोजिंग स्पलाइटिस के लिए, सर्वाइकल स्पलाइटिस, अस्थमा, हार्ट के लिए कराते हैं। जी कुछ कह रहे थे मीना जी? मैं ये कह रही थी कि डायबिटीज किडनी की बहुत बड़ी दुश्मन है, और एक रिपोर्ट के मुताबिक डायबिटीज के 70% रोगियों में किडनी की कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर देखी गई है। ऐसे में डायबिटीज से किडनी पर असर ना जाए और डायबिटीज भी कंट्रोल हो जाए, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसके लिए मीनाक्षी जी, मंडूक आसन से लेकर के और योग मुद्रासन, वक्रासन, अर्धमत्स्येन्द्रासन, गोमुखासन, ये जो सारा पैकेज है, ये डायबिटीज को भी ठीक करेगा। और इसके साथ साथ प्राणायाम रामबाण है। देखो प्राणायाम जो है वो तो भस्त्रिका, कपालभाति, और इसमें बाह्य प्राणायाम बहुत ज़बरदस्त लाभ करता है, इसलिए 99% बीमारियों में हम प्राणायाम जरूर बताते हैं, भस्त्रिका, फिर ये कपालभाति, एक बाह्य प्राणायाम और बता देते हैं, ये जबरदस्त है। और सांस कितनी देर, लेकिन स्वामी जी रोकनी तो चाहिए, कर लिया आप दोनों तो अच्छा कर लेते हो, मीनाक्षी जी भी और ज्योत्सना जी। ये जो आपने बाह्य प्राणायाम किया स्वामी जी, बाह्य प्राणायाम में आधा मिनट तक रोक सकते हैं जी, इसमें 20 से 30 सेकंड होल्ड करना चाहिए। और मैं कह रहा था जिनका बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो आपकी तरह, ज्योत्सना जी की तरह, और ऐसे ये बद्ध पद्मासन करके और उसमें योग मुद्रासन किया, ये बाह्य प्राणायाम। अग्निसार, ये भी बड़ा जबरदस्त, डायबिटीज के लिए मधुनाशिनी, खाली पेट मधुग्रीट खाने के बाद
और मधुनाशिनी मधुग्रिट की हम बस्ती एनेमा भी देते हैं, और खीरा करेला टमाटर का जूस गिलोय सदाबहार गुड़मार और इसके चिरायता कुटकी मेथी के पानी के साथ वो जूस पिलाते हैं। और टाइप 1 डायबिटीज़, आज ही एक प्रणव बेटा आया, उसको 60 यूनिट से भी ज़्यादा इंसुलिन लगता था, अब जीरो पर आ गया। दूसरी बेटी एक नवी, उसका 17 था HbA1c, नॉर्मल आ गया शुगर। तो मैं तो रोज़ देखता हूँ, चाहे वो नवी हो चाहे प्रणव हो, 68 यूनिट ख़त्म इंसुलिन, और किससे, यही 10-10 मिनट यही जो आसन बताए पूरा पैकेज ये किया, और ये औषधि। और खान पान में हम मल्टीग्रेन आटा खाने के लिए बोलते हैं, मैं कहता हूँ गेहूँ और चावल कम कर दो भाई, ये ज्वार खाओ, बाजरा खाओ, मकई खाओ, रागी खाओ, कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें, चोला ये है, सिंघाड़ा है, जो है ऐसी जी। थोड़ा सा चेंज करें। अब किडनी के पेशेंट को जो के आटे की रोटी खानी चाहिए, बताइए, छोटी सी बात। अब जो का आटा, जो का दलिया कितना अच्छा होता है, ओट्स, आज ओट्स का भी एक सुपर डिश बताने वाले हैं, ओट्स का। और सीताफल अब सर्दियों के अंदर बहुत ज़बरदस्त आता है, पूरे महाराष्ट्र से लेकर के महाराष्ट्र गुजरात में और मध्य प्रदेश में ज़बरदस्त होता है और पूरे देश में खाया जाता है। तो आज एक स्पेशल डिश बताने वाले हैं, बिल्कुल सुपर एनर्जी के लिए सीताफल की, और किडनी के लिए ओट्स और एप्पल की डिश जी। और उस स्पेशल डिश की बात भी हम मिलो, ये किडनी को भी ठीक करता है, डायबिटीज को भी और उसके कॉम्प्लिकेशंस को भी जी जी। स्वामी जी, जो स्पेशल डिश आप बता रहे हैं उसके बारे में हम कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बात करेंगे, अभी अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। स्वामी जी, कई बार यूरिन इन्फेक्शन भी किडनी फेलियर की वजह बनता है और ये परेशानी महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है, तो ऐसे में महिलाओं के लिए क्या उपाय है कि यूरिन इन्फेक्शन की वजह से किडनी फेलियर ना हो? एक तो करौंदा का रस पिलाते हैं, करौंदा एक विदेशों में तो क्रैनबेरी जूस पीते हैं। अब देखिए, अनुलोम विलोम और कपालभाति करते करते, ये तो रामबाण है, ये तो सबसे बड़ी संजीवनी ब्रह्म विद्या कहो, ब्रह्मास्त्र कहो, ये अनुलोम विलोम कपालभाति, क्रैनबेरी जूस अथवा करौंदा का जूस, और क्रैनबेरी से और करौंदा से भी ज़्यादा उपयोगी है गोखरू। गोखरू पुनर्नवा, पाषाण भेद, वरुण छाल, पंचतृणमूल, इसका ही विकल्प हमने दे रखा है। ये वृक्कदोषर्क्वाथ, ये वृक्कदोषर्क्वाथ में ये सब कुछ है, तो वृक्कदोषर्क्वाथ पी लें। गोखरू, गोखरू का भी काढ़ा मैंने उपलब्ध करा दिया है, अभी ये मिलता तो बहुत कम है, जब हमने शुरू किया था शो इंडिया TV पर तब इसका 20 रुपये किलो हुआ करता था, आजकल ये 250 से 500 रुपये किलो पहुँच गया, बताओ। होलसेल में थोड़ा सस्ता मिल जाता है, रिटेल में तो अब ये हमको भी, ये गोखरू इतना सस्ता होने के बावजूद बताओ, अब हमको ये जो है कितने रुपए का देना पड़ रहा है, 50 रुपये का देना पड़ रहा है, इतना 250 से 500 रुपये किलो पहुंच गया, बताओ। गोखरू और विक्कदोष, इसका पानी पिए, जो का पानी पिए, जो की रोटी खाएं, कपाल भाती करें, और ये पॉइंट दबाएं। UTI की प्रॉब्लम कितनी भयंकर, एक बूंद पेशाब के लिए जो तरसते थे, आपने यहाँ इंडिया TV पर ही देखा है, और उसके लिए भयंकर दवाइयाँ खाते थे और कोई उपचार नहीं था, मिट्टी पट्टी पेट पर रखी और गोखरू का पानी पिया और UTI ठीक हो गया, यूरिन इन्फेक्शन। फिर उसके बाद में धीरे धीरे यूरिन इन्फेक्शन ज़्यादा रहता है, हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाता, तो फिर उससे लिकोरिया भी हो जाता है। तो कपाल भाती, बाह्य प्राणायाम, इससे UTI और वाइट डिस्चार्ज और मासिक धर्म की अनियमितता भी दूर हो जाती है। और मासिक धर्म के लिए वैसे एलोवेरा भी बहुत अच्छा काम करता है, दशमूल क्वाथ, यानी एक दवा है और बहुत सारे उपचार एक दवा कर देती है स्वामी जी। ये बाह्य प्राणायाम, किसी को यूट्रस ओवरी प्रोलैप्स होता है वो भी ठीक हो जाता है, बिल्कुल। स्वामी जी, किडनी स्टोन का दर्द भी आप कई दफा सुनते होंगे, आपके पास भी ऐसे बहुत से मरीज आते होंगे जो किडनी स्टोन की वजह से बड़े परेशान है और इसका दर्द बर्दाश्त करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो पथरी के दर्द को कम करने के लिए इंस्टेंट उपाय क्या अपनाने चाहिए और साथ ही पथरी खत्म हो जाए इसके लिए क्या करें? इसके लिए हम एक तो यवक्षार, मूलिक्षार, सज्जिक्षार, श्वेत प्रपटी, ऐसी चीजें मिलाकर के एक अस्मरीहर रस देते, पाउडर है वो, एक एक दो दो ग्राम खिलाते,
लीथोम हमने एक नई औषधि बनाई, जबरदस्त है, लेते ही किडनी का दर्द भी ठीक और धीरे धीरे किडनी फिर टुकड़े टुकड़े बन करके निकल जाती है। लीथोम और अश्मरीहर रस, अश्मरीहर क्वाथ जो अभी मैं बता रहा था, विकदोसर क्वाथ और ये दूसरा अश्मरीहर क्वाथ है, ये अश्मरीहर क्वाथ, इसमें गोखरू है, कुलत्थ है और वरुण, पुनर्नवा, पाषाण भेद और मेथी है, इसका इसको देते हैं। फिर इंस्टेंट लाभ के लिए ये छोटी उंगली पर यहाँ से दबाएं और यहाँ से दबाएं, और जो मैंने घरेलू उपाय बताया है ये जो स्वामी जी छोटी फिंगर की सबसे छोटी फिंगर की टॉप पर जो कहाँ भाई, हाँ तो ये अब देखो, अब जिनको बहुत भयंकर दर्द है ना, तो ये ऐसे 50 ग्राम ये कुलथ, 50 ग्राम गोखरू और 50 ग्राम जो ले लें, इसको दरदरा कूट लें और 1 किलो पानी में भिगो दें, रात को, सुबह उसको पका लें, जब ये 100-200 ग्राम बच जाए तब छान करके इसको पी लें। अब जब भिगो देते हैं ना तब ये हालत हो जाती है, देखो ये गोखरू भिगोया हुआ है और ये कुलथ भिगोई हुई है, ये जो गोखरू कुलथ ऐसे रात को पानी में भिगो दें और एक ही साथ भिगो सकते हैं, ये तो अलग अलग हमने देखने के लिए ऐसे बनाया हुआ है ऐसे, और ये 5-5 मिनट ऐसे दबा लें, दबाते ही किडनी का दर्द जो पथरी में दर्द हो रहा है वो दर्द खत्म हो जाता है। वैसे तो स्वामी जी आप तमाम उपाय, किडनी में स्टोन फॉर्मेशन होता था जी 10-10 साल से, स्वामी जी वैसे तो आप कार्यक्रम के दौरान ही योग अभ्यास करते करते बहुत सारे सवालों का जवाब दे देते हैं, उपाय बता देते हैं, लेकिन फिर भी दर्शकों के कुछ ऐसे सवाल आते हैं जिनमें वो आपसे उसी परेशानी का उपाय जानना चाहते हैं, क्या करना चाहिए उन्हें। उनमें से पहला सवाल है अंजलि का। अंजलि पूछ रही है कि बीते 5 साल से माँ को किडनी में इन्फेक्शन है, क्रिएटिनिन 7 से ऊपर और एल्केलाइन फॉस्फेट 700 के करीब है, इसे कैसे ठीक किया जा सकता है? गोक्षरादि गुगुल चंद्र प्रभावटी ट्राइघनवटी विकदोषहरवटी, ये तो एक एक गोली चंद्रप्रभा गोक्षरादि ट्राइघनवटी खाने के बाद ले लें, खाली पेट विकदोषहरवटी और पुनर्नवादी मंडूर एक एक 3 बार ये प्रयोग कर लें, तो खाली पेट पुनर्नवादी और वृक्कदोषहरवटी खाने के बाद चंद्रप्रभा गोक्षरादि और ट्राइगन ये एक एक गोली खा लें, ये जो काढ़ा बताया था गोखरू का इसको पी लें, प्राणायाम कपाल भाते अनुलोम विलोम कर लें, जो के ही आटे की रोटी खाएं, जो का ही दलिया खाएं और रो फूड थोड़ा ले लें और इसी की बस्ती बना करके इसी का एनिमा ले लें, वृक्कदोषर क्वाथ का, वृक्कदोषर क्वाथ का और या खाली गोखरू का एनिमा ले लिया कर, और इससे इंस्टेंट बेनिफिट मिलेगा, 3 से 7 दिन में माताजी इंडिया टीवी को और स्वामी राम को आशीर्वाद, स्वामी रामदेव को आशीर्वाद देंगे। स्वामी जी अभी अभी एक और दर्शक है जिन्होंने सवाल पूछा है, इनका नाम है पामली भूटानी, वो ये पूछ रही है कि पेट में स्टोन हो ही ना इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए। अच्छा सवाल है ये। इसके लिए उपाय ये करना चाहिए, सप्ताह में 1 बार गोखरू का पानी पी लेना चाहिए, सप्ताह में 1 बार जौ का दलिया जो हम उपलब्ध कराते हैं पतंजलि से, जौ के आटे की रोटी या जौ का दलिया या गोखरू का पानी सप्ताह में 1 बार खा लो, या कुलथ का दाल का सूप बना लो, इसको रात को जब भिगो देते हैं ऐसे कुलथ की दाल को और चम्मच देना, तो कुलथ की दाल जब रात को ऐसे भिगो देते हैं और सुबह इसको आप सूप बना करके इसको छोंक करके, कई बार हमने बताया हुआ थोड़ा सा सेंधा नमक और थोड़ा सा इसमें हींग डालते हैं, ये तो कुलथ की दाल तो ऐसी होती है, डायमंड को भी पीस देती है, मैंने डायमंड भाई में इसी से बनाई है कुलथ के काढ़े से, तो ये सप्ताह में 1 बार कुलथ की दाल जो का प्रयोग या गोखरू का प्रयोग सप्ताह में 1 बार कर लेंगे तो जिंदगी भर कभी भी स्टोन नहीं होगा और किडनी फेलियर नहीं होगा। ये अच्छा प्रश्न पूछा भूटानी बहन ने। बिल्कुल स्वामी जी, ये वो उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम तमाम बीमारियों से, खासकर किडनी से जुड़ी, स्टोन से जुड़ी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब सवाल खुशी का आया है, खुशी अपने पति के लिए ये सवाल पूछ रही है। स्वामी जी खुशी का कहना है कि उनके पति की दाई यानी कि राइट किडनी में सूजन है, किडनी की नली में ब्लॉकेज है, डॉक्टर ने सर्जरी की सलाह दी है, तो क्या इसे योग से ठीक किया जा सकता है? 100% ब्लॉकेज भी ठीक हो जाएगी, सूजन भी ठीक हो जाएगी, इसके लिए
सर्वकल्प क्वाथ भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई होती है, वैसे वो लीवर के लिए भी देते हैं हम, लेकिन वो सूजन के लिए, ये सर्वकल्प क्वाथ है ना, अथवा अकेली औषधि का प्रयोग करना चाहें तो पुनर्नवा की जड़ को ही उबाल करके पिला दें और पुनर्नवा दी मंडूर दे दें और खाने के बाद गोक्षरादि और चंद्रप्रभावती दे दें तो सूजन भी खत्म हो जाएगी, अंदर का ब्लॉकेज भी दूर हो जाएगा, कपाल भाती अनुलोम विलोम के साथ साथ वो मिट्टी पट्टी जो है ना वो भी पेट पर जरूर रखें। मिट्टी पट्टी रख करके ऐसे लेट जाते हैं, बस लेट करके ही लेटे लेटे ही ऐसे भस्त्री का मिट्टी पट्टी में लेटे लेटे ऐसे कपाल भाती और बाह्य प्राणायाम। तो खुशी की खुशियां पूरी लौट आएंगी और ये जबरदस्त उपाय है किडनी के लिए। बिल्कुल, और पत्नी के लिए तो पति की खुशी इम्पोर्टेंट है, तो खुशी खुश, उनके पति भी खुश, पूरा परिवार खुश। स्वामी जी, अब हम कार्यक्रम के अगले हिस्से पर आते हैं और ये हिस्सा मुझे और ज्योतिषा दोनों को ये बहुत ही पसंद है। तो स्वामी जी, स्मूदी बहुत ही पॉपुलर है यंगस्टर्स में, ये दरअसल मिल्क शेक का एक मॉडर्न अवतार है। तो आज आप, क्योंकि दो तरीके की स्मूदीज की बात कर रहे थे, एक सीताफल की आप बात कर रहे थे, तो वो कैसे बनानी है, कैसे खानी है, क्या क्या उसमें होना चाहिए, आइए अब उसकी चर्चा करते हैं। तो देखो, ये जो सीताफल है ना, सीताफल लेकर के इसको जब तोड़ देते हैं तो अंदर से इसका पल्प पूरा निकल जाता है और जब पल्प निकल जाता है तो उस पल्प को दही के साथ, अब इसकी तो आइसक्रीम भी बनाते हैं आजकल जो है, इसकी आइसक्रीम भी बनाते हैं और इसकी स्मूदी, अब इसमें दही डाल दिया और अब इसको और थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए थोड़ा सा इसमें दालचीनी डालते हैं, इससे ये डाइजेस्टिव भी हो जाएगी टेस्टी भी हो जाएगी। तो थोड़ी सी इसके अंदर दालचीनी डाल दी 2-3 ग्राम और थोड़ा सा हनी मिला दिया और वो भी हनी पतंजलि का प्योर हनी मिल जाए तो बात ही क्या, बाकी कोई जंगल से तोड़ के रहे तो पतंजलि का खरीदने की जरूरत ही क्या है। अब देखो ये जबरदस्त स्मूदी तैयार हो गई है, अब इसको खाएं और एकदम मस्त हो जाए, लेकिन ठंडी होती है कफ कोल्ड वाले, थोड़ा सा समझदारी से ही खाना। अब दूसरी बारी आती है, देखो ये सेब, अब इसको सेब को काट लिया, अब काट करके सेब को, आजकल तो सेब एकदम फ्रेश मिल रहा है बिना वैक्स के, नहीं तो बाद में जो मिलता है ना उसमें वैक्स लगा हुआ होता है, तो सेब को काट करके और इसके अंदर डाल दिया मिक्सी में और इसमें दूध डाल दिया, फिर ठंडा दूध डाल दिया और एक साथ थोड़ा इसमें केला भी डाल सकते हैं और टेस्टी हो जाएगा। आप सेब की स्मूदी ओट्स इसमें मिला दिए, आप सेब की स्मूदी ओट्स, अब ओट्स हाँ डाल के तैयार कीजिए स्वामी जी, ओट्स के साथ साथ में थोड़ा बादाम और थोड़ा अखरोट भी डाल दे तो और टेस्टी हो जाएगा। अब इसको घुमा देंगे, तब तक आप कल का प्रोग्राम बताओ, मैं स्मूदी तैयार करता हूँ। जी जी, आपको फिर पैक करके भिजवा दूंगा। जी स्वामी जी, स्वामी जी जब तक स्मूदी नंबर 2 तैयार कर रहे हैं तब तक हम कल का कार्यक्रम क्या खास रहेगा वो दर्शकों को बता देते हैं। गिरते प्लेटलेट्स ने टेंशन बढ़ाई, डेंगू से कैसे जंग लड़ेंगे, मच्छर का दिया बुखार ना पड़ जाए आप पर भारी, आयुर्वेद से इम्यूनिटी बढ़ाने की कैसी है आपकी तैयारी, तो देखना ना भूलिए कल का खास कार्यक्रम सुबह 8 बजे स्वामी रामदेव के साथ। पहले तो डेंगू का मच्छर पनपे ना, और अगर पनप भी जाए तो वो मच्छर आपको तंग करे ना, और तंग कर भी दिया तो भी डेंगू का उपचार होगा और आयुर्वेद के जरिए। स्वामी जी देखो, स्मूदी तैयार हो गई है एकदम, देखने में भी बहुत सुंदर लग रही है और खाने में तो और ही ज्यादा टेस्टी लगेगी। स्वामी जी, तो आप इसका तो टेस्ट ले लीजिए, ये तैयार हो गई है ताजी ताजी स्मूदी का। हाँ ये सच है कि ये जो है बड़ी टेस्टी है। चलिए स्वामी जी, आज जबरदस्त आज तो किडनी का उपचार हमने आपसे जाना, खा करके हेल्दी हो जाएंगे और घर में बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी जी प्रणाम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।